हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ईयर वेटनरी मेडिसिन पेपर टू जो 2020 ऑनलाइन जो हुआ था पेपर, उसका सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉजिटिव एजेंट ऑफ काफ स्कोर और वाइट डायरिया इज, तो हम जानते हैं ई कोलाई करता है काफ स्कोर, ठीक है। और फिर द इलेक्ट्रोक्यूशन एनिमल्स में डाई ड्यू टू द डैश जो है बाय स्मॉल करंट्स, तो जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उससे डेथ होती है। फिर डैश इज एन एनिमल यूजली डोमेस्टिकेटेड कैप्ट इन ह्यूमंस एंड ट्रेंड टू परफॉर्म टास्क, तो ये जो है डॉग है। फिर है जो है एस्कोली टेस्ट, वो किसके लिए किया गया है, तो ऑफकोर्स डायग्नोसिस जो है वो एंथ्रेक्स के लिए किया जाता है। फिर है बारबेरियोस टेस्ट जो है वो प्राइमरी केमिकल टेस्ट है यूज फॉर, तो जो बेस्टियलिटी होती है उसके लिए हम बारबेरियो टेस्ट यूज़ करते हैं। फिर है डैश मीन्स मेकिंग एन एनिमल टेम्प्रेरी यूजलेस, ठीक है, बाय द यूज ऑफ वायलेंस, तो हम क्या यूज़ करते हैं वो टर्म, उसे मीमिंग। फिर द ग्रेजुअल डिसअपेरेंस ऑफ डैश इज ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द कोएगुलेटेड मायोसिन बाय ऑटोलाइटिक फर्मेंट्स, तो जो ग्रेजुअल डिसअपेरेंस होता है किसका, राइगर मॉर्टिस का, उस वजह से जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है कोएगुलेटेड मायोसिन बाय ऑटोलाइटिक फर्मेंट्स। फिर लिम्बर नेक और लायंस डिजीज, ये किससे होती है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, बॉटुलिनम के जो टॉक्सिन्स है वो क्या करते हैं लिम्बर नेक या लायंस डिजीज करते हैं। फिर है डायमंड स्किन लेजेंस जो होते हैं वो किस डिजीज में मिलता है, तो वो स्वाइन इरिसिप्लाज में मिलता है। फिर है क्लॉस्ट्रिडियम चोवाई कॉजेज द डिजीज, फिर जो है क्लॉस्ट्रिडियम चोवाई जो है बीक्यू क्रॉस करता है ब्लैक क्वार्टर। नेक्स्ट है डैश इज एन मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द विसेरा, तो इथाइल एल्कोहल जो होता है वो मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, विसेरा के जो है प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डैश इज ए ह्यूमेन और रैपिड मेथड ऑफ यूथनेशिया बट इट कॉजेज एक्सेसिव हेमरेज, तो जो शूटिंग होती है वो क्या है ह्यूमेन और रैपिड मेथड है, पर उसमें क्या होता है एक्सेसिव हेमरेजेस होते हैं। फिर स्टैब्स आर दी डैश टाइप ऑफ वुंड्स, तो स्टेप्स कैसे होते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड्स होते हैं। फिर है बोवाइन जो होता है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। फिर एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ द सर्कलिंग डिजीजेस, तो ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है। फिर है केव डिजीज जो होता है वो किसकी वजह से होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया एग इज कॉल्ड एज, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, जो हमने सुना है ना ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन वो ही वाला। फिर हमारे पाइप स्टेम फिशेज जो होती है वो किसमें मिलती है, तो जो जॉन्स डिजीज है, ठीक है, पैराट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें मिलता है। फिर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर एम्फिस्टोमियासिस, तो जो है वाटर फ्रेश वाटर स्नेक्स होते हैं ना बुलिनस ट्रंगाइटस प्लेनॉर्बिस प्लेनॉर्बिस, ये सारे होते हैं। फिर रेबिस इज कॉज बाय तो लाइसा वायरस जो होता है उससे कॉज होता है। फिर अपन बात करें एमसीक्यू की, तो पहला है वुडन टंग इज कॉज बाय, तो वुडन टंग जो है वो एक्टिनोबेसिलोसिस से होता है लिग्नेरेजी से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज एज इनहेलेंट एजेंट फॉर यूथनेशियन एनिमल, तो जो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, ये कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनहेलेंट एजेंट की तरह। और फिर बात करें द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्वेट एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर वेटनरी प्रैक्टिशनर रेगुलेशन वॉज पब्लिश एंड कम इन टू द फोर्स इन द ईयर ऑफ, तो ये 1992 में जो है ये आया था, ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड था कि जो कोर्स थे एथिक्स फॉर वेटनरी प्रैक्टिशनर रेगुलेशन के वो पब्लिश हुए थे, ठीक है। फिर है द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ द एफ्लाटॉक्सिन ऑल्सो अ पोटेंट लेवर कार्सिनोजन इज, तो वो है एफ्लाटॉक्सिन B1। फिर है कैमल कैन हैव मैक्सिमम लोड्स फॉर रॉड पर्पस वेयर व्हीकल इज टू व्हील्ड, तो जो है 1000 जो kg है वो मैक्सिमम लोड है कैमल के लिए, ठीक है। फिर है वेटनेरियन इन्वॉल्व्ड विद इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल जो है एनिमल इथिक्स कमेटी जो IAEC जो कमेटी है दे रोल इज टू प्रमोट, तो ये जो है रिव्यू ऑफ द प्रपोजल टू यूज एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पसेस एंड मिनिमाइजिंग ऑफ द पेन एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग करना ऑफ द एनिमल्स इन रिसर्च एंड टीचिंग और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। फिर है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स रूल्स जो होते हैं वो ड्राफ्टेड इन, तो ये रूल्स ड्राफ्ट हुए थे 1965 में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मेथड फॉर डर्मेटोफाइटोसिस, तो जो डायग्नोस्टिक मेथड था वो है माइक्रोस्कोपिकल कल्चरल और स्किन टेस्ट तीनों, ठीक है। फिर हमारा
विच डिजीज हैज इट्स जूनोटिक इम्पोर्टेंस, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो इसकी जूनोटिक इम्पोर्टेंस का है। फिर फोकल डिजनरेशन ऑफ कार्डिक एंड स्केलेटल मसल इन काव्स इज कॉज्ड इन डिजीज, तो जो FMD है उसके अंदर होता है, ठीक है, जो टिग्रॉइड हार्ट अपीयरेंस भी आती है। फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टोसोमियासिस तो वो है प्राजिक्विंटल। फिर लंग वर्म विच कॉजेज बोवाइन वर्मिनस ब्रोंकाइटिस ऑफ कैटलिस तो है डिक्टोकॉलस विविपेरस। नेक्स्ट है बू पारोकिनोन जो है वो इफेक्टिव ड्रग किसके लिए है, थिलेरियोसिस के लिए है, 2.5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। फिर वायरल डिजीज विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, तो रिंडरपेस्ट जो है वो इरेडिकेट हो रखी है इंडिया से। फिर लैम डिसेंट्री किससे कॉज होती है, तो क्लॉस्ट्रिडियम जो है परफ्रिंजस टाइप बी से होता है, ठीक है। सी से क्या होता है, स्ट्रक होता है, ठीक है। और जो डी है उससे क्या होता है, पल्पी किडनी डिजीज़। और ए वाला जो है वो नॉर्मल एंटीटॉक्सीमिया करता है। फिर हमारा बिसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया किसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए फ्रॉम द लेप्टोस्पायरा, क्योंकि दोनों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, ठीक है। फिर है एंक्लोज लेजन सिक्वेस्ट्रम, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है डिजीज़ का, तो ये CCBP है ना, CCBP उससे होता है। फिर नेजल कैनुलोमा इस कॉज में तो सिस्टोसोमा से होता है। फिर हमारा स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल हाइपेटिका इज कैटलिस ट्राइक्लाबेंडाजोल, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट टेपवर्म ऑफ डॉग इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस इज इनहेबिटेंट ऑफ इज कॉज्ड बाय, तो जो स्मॉलेस्ट टेपवर्म है वो जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस वो कहाँ पे रहता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलग अलग जो है डिफाइंस की, तो सबसे पहले जो डिफाइन है वो है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग इज डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमल ऑफ एनी सब्सटेंस अदर देन द नॉर्मल न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो भी एडमिनिस्टर करते हैं ना एनिमल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट नहीं है, पर किस पर्पस के लिए, फॉर अफेक्टिंग इट्स स्पीड स्टेमिना करेज एंड कंडक्ट इन द रेस, ठीक है, इसके लिए हम डोपिंग वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटनरी एथिक्स, तो वेटनरी एथिक्स क्या है, इज़ अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, एक तरह का सिस्टम है मोरल प्रिंसिपल्स का, डेट अप्लाइज वैल्यूज़ एंड जजमेंट, जो क्या अप्लाई करता है, वैल्यूज़ एंड जजमेंट टू द प्रैक्टिस ऑफ वेटनरी मेडिसिन। एज अ स्कॉलरली डिसिप्लिन वेटनरी एथिक्स एनकंपासेस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लिनिकल सेटिंग्स एज वेल एज वर्क ऑन इट्स हिस्ट्री फिजियोलॉजी थियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन, तो क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन क्या है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो इसे बेड साइड मेडिसिन भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बायर साइड मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और क्योरेटिव मेडिसिन। ये क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है, डेट कवर्स द आर्ट ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस एंड एक्सटेंड द रेमेडियल एंड क्योरेटिव मेजर्स अगेंस्ट द डिजीज ऑफ द एनिमल, तो एक ऐसी ब्रांच है जो कवर करती है किसका, आर्ट ऑफ मेकिंग करेक्टिव जो डायग्नोसिस करने का आर्ट है, और एक्सटेंड करती है रेमेडियल और क्योरेटिव मेजर्स अगेंस्ट द एनिमल ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है वो है टेचमान टेस्ट, ठीक है, टेचमान टेस्ट क्या होता है, टेचमान टेस्ट इज अ टेस्ट विच इफ डिटरमाइंस इफ देयर इज अ ब्लड इज प्रेजेंट इन द सस्पेक्टेड ड्राइड ब्लड स्टेन, क्योंकि जो आपको पता ही है एथिक्स जो होता है ये वेटनरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड जहाँ पे भी कोई पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये फॉल्स डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं कि चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सही है कि नहीं है, उसका क्या कहते हैं ब्लड हैक नहीं है या किसी ने मैलिशियसली उसके अंदर ब्लड के जैसा ही कोई कंपाउंड डाल रखा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए टेचमान टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हेमेटिन क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो जब हीट करते हैं, हीटेड ब्लड इज मिक्सड विद द ग्लेशियल एसिटिक एसिड वेयर देर इज़ अ सॉल्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है सॉल्ट भी होता है, और जो पॉजिटिव टेस्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन विद फेरी प्रोटो प्रोफाइलिन और दिस टेस्ट प्रोड्यूस स्प्रिंग क्रिस्टल विच रीप्ड अप टू 10 micrometer इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है साइलेज डिजीज, तो साइलेज डिजीज क्या होता है, तो साइलेज डिजीज लिस्टेरिया जो होती है सर्कलिंग डिजीज या मेनिनजेंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं, ये जो होती है हैवी साइलेज खिलाते हैं ना उससे प्री डिस्पोजिंग होती है, इसलिए इसे साइलेज डिजीज बोला जाता था। तो इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज जिससे क्या होता है मेनिनजेंसेफ्लाइटिस सेप्टिसीमिया और अबॉर्शन, ये तीनों होते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, मोनोसाइटोजन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट अपन बात करें
जो है वह है स्ट्रॉस टेस्ट। तो स्ट्रॉस टेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉस रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम ग्लैंडर्स के लिए करते हैं, पस जो होता है ना एनिमल का वो इंट्रापेरिटोनियली मेल गिनी पिग होता है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, और सीवियर जो है ऑर्काइटिस और इन्फ्लामेशन अगर हो स्क्रोटल सैक का तो हम उसे क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव फॉर दी ग्लैंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बात करें तो वो है फारसी। तो फारसी जो है वो स्किन फॉर्म जो है ग्लैंडर्स की उसे बोलते हैं। ठीक है, फारसी तो ये क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना अलॉन्ग विद द लिम्फ वेसल्स वो स्वोलन हो जाते हैं और ओपन डिस्चार्जिंग पस निकलता है, और उसकी कलर एंड कंसिस्टेंसी कैसे होती है, डार्क हनी लाइक, तो उसे बोलते हैं फारसी बर्ड। और इसमें अगर वेसल्स थिकंड हो जाए और कॉर्ड लाइक हो जाए तो उसे फारसी कॉर्ड बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है टिटनस टॉक्साइड। तो टिटनस टॉक्साइड क्या होता है, कुछ नहीं होता बट फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड टिटनस टॉक्सिन्स होते हैं। जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फॉर्मली जो है फॉर्मलिन में इनएक्टिवेट किया हुआ होता है। ये 5 से 10 ml लगते हैं IM, रिपीटेड आफ्टर 6 to 8 weeks और गिवन वंस आफ्टर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेक्शन IPC जो है 274। तो ये एडल्ट्रेशन एनी ड्रग के ऊपर है। ठीक है, इन सच अ मैनर टू लेसन द एफिकेसी और टू चेंज द ऑपरेशन ऑफ द सच ड्रग्स। ठीक है, टू मेक इट नॉक्सियस इंटेंडिंग डैट इट शैल बी सोल्ड और यूज फॉर नोइंग इट डैट टू बी लाइकली डैट इट विल बी सोल्ड और यूज फॉर एनी मेडिसिनल पर्पस एंड इफ इट हैड अंडरगॉन जो है सच एडल्ट्रेशन तो ये 6 महीने की सजा या फिर 1000 rupees का फाइन है, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है जजमेंट पे। तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग पे था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूडर्स निमोनिया, जिसे एवियन एस्पर्जिलोसिस या फिर माइकोटिक निमोनिया भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी द पल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस ऑल द प्राइमरी ट्रैक्ट ऑफ द एजेंट इज पल्मोनरी सिस्टम, अदर मैनिफेस्टेशंस आल्सो अकर इन पोल्ट्री। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिवेंशन और कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। तो प्रिवेंशन क्या होता है कि ऐसे मेजर्स जो अप्लाइड किए जाते हैं टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिजीज। व्हेन वी से कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ऐसे मेजर्स जो प्रिवेंट करें ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, उसके लिए तो कंट्रोल होता है, ट्रांसमिशन के लिए तो कंट्रोल, और डिजीज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हर्ड इम्यूनिटी। तो जो हर्ड का मतलब आप जानते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और इम्यूनिटी का मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक इन्फेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ड्यू टू द प्रीवियसली इन्फेक्शन और ड्यू टू द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऐसी इम्यूनिटी है जो कि अकर होती है व्हेन द इम्यूनाइजेशन ऑफ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। हम हर्ड को करेंगे तो वो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी, जो अनप्रोटेक्टेड है ना उनके अगेंस्ट भी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट अपन शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ PPR, राइट अबाउट द क्लिनिकल साइंस एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, तो जो PPR है वो क्या होता है, पेस्टेस डेस पेटाइटिस रूमिनेंट्स। ठीक है, तो गोट प्ला काटा, गोट काटरल फीवर, एरोजिव स्टोमेटाइटिस, एंटाइटिस ऑफ गोट्स, स्टोमेटाइटिस, प्न्यूमो इंटराइटिस कॉम्प्लेक्स, सुडर इंडरपेस्ट, ये सब बोलते हैं। ये एक एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज है गोट और शिप की, जो कि मैनिफेस्ट होती है बाई दिस फीवर, नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस, एंटराइटिस, न्यूमोनिया, ऑक्यूलर नेजल पुरुलेंट डिस्चार्ज और डेथ। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो निमोनिया लाइक साइंस आ रहे हैं, ठीक है, और स्टोमेटाइटिस हो रहा है, मेनली स्टोमेटाइटिस आपको देखना है और निमोनिया लाइक साइन आ रहे हैं और पुल एंड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। तो क्लिनिकल जो है साइंस बताते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 days होता है, इनिशियली हाई राइज इन टेम्परेचर 106 तक चला जाता है, डिस्क्रीट नेक्रोटिक एरियाज डेवलप इन माउथ, 1 to 2 days आफ्टर पायरेक्सिया एक्सटेंड करता है ओवर द एंटायर ओरल मुकोजा फॉर्मिंग डिप्थेरिक प्लाक्स इंक्लूडिंग टंग पैलेट लोअर लिप, सीरियस डिस्चार्ज फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स एंड आइज अकर व्हेन विच बिकम म्यूकोपुरुलेंट। ठीक है, जो डिस्चार्ज होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और मैटिंग ऑफ आईलिड्स एंड ऑक्लूजन्स ऑफ नेयर्स। ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी भी डेवलप हो सकती है, रेस्पिरेटरी साइन में डिस्पनिया वगैरह आते हैं। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो जो रिकॉर्डेड एनिमल हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी दे देते हैं, एंटीजेनिक सिमिलरिटी ऑफिस जो है ये हैज एंडोर्स द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर, RP रिंडरपेस्ट वैक्सीन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और 3 to 4 months के एज वाले वैक्सीनेटेड होते हैं। रिकॉम्बिनेंट NTRP वैक्सीन या वायरस हैज बीन आल्सो सक्सेसफुली ट्राइड रिसेंटली, और जो है नाइजेरियन आइसोलेट है स्ट्रेन PPR 75:1 इन वीरो सेल्स आफ्टर 70 पैसेजेस। ठीक है, द प्रोटेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वैक्सीन परसिस्ट अप टू 120 पैसेज। नेक्स्ट अपन बात करें
के राइट ब्रीफ नोट ऑन न्यू कासल डिजीज। तो न्यू कासल डिजीज को क्या बोलते हैं, डॉयस डिजीज भी बोलते हैं, एवियन डिस्टेंपर भी बोलते हैं और एवियन न्यूमो एंसेफलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये न्यू कासल डिजीज जो है वो किससे कैरेक्टराइज है, रेस्पिरेटरी साइन ऑफन एसोसिएटेड विद नर्वस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड हाई मोर्टिलिटी इन चिक्स। इन लेइंग बर्ड्स जो है रैपिड ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, डिफेक्ट इन द सेल आर नोटिस्ड। द डिजीज वॉज आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जावा इंडोनेशिया एंड नेम इसलिए न्यू कासल डिजीज पड़ा और किसने रखा, डॉयस ने, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। द डिजीज इन इंडिया इसे रानीखेत डिजीज बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट आइसोलेशन आउटब्रेक इन रानीखेत। प्रीवियसली इसे वेलोजेनिक विसेरोट्रॉफिक न्यू कासल डिजीज भी बोलते थे, पर अब एक्जोटिक न्यू कासल डिजीज भी आ रखी है। इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इन द पोल्ट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनलिस्ट द कॉजेज ऑफ ब्रुसेलोसिस इन कैटल एंड व्हाट आर द मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो जो ब्रुसेलोसिस है वो जो मेनली है ब्रुसेला, बॉटस, ओविस और कैनिस, ये अलग अलग में होता है। मेलिनटेंसिस भी है और जो मेलिनटेंसिस है वो आइसोलेट किया था ब्रूस ने। ठीक है, अब इसकी बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो सॉरी इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की, तो जो इरेडिकेशन है ब्रुसेलोसिस का वो है टेस्ट एंड स्लॉटर मेथड। ठीक है, बट फिजिबिलिटी आप जानते हैं कंट्री में नहीं है रिलीजियस पर्पस की वजह से। तो हाइजोनिक डिस्पोजल करना है यूट्राइन डिस्चार्जेस का, फिटस का, फिटल मेम्ब्रेन्स का, इन्फेक्टेड कार्कस आर टू बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। इमीडिएट आइसोलेशन और सेग्रीगेशन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। केयर शुड बी टेकन टू क्लियर डिसइन्फेक्टेंट द कंटेमिनेटेड प्रीमाइसेस। ऑल न्यूली परचेज एनिमल्स उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और टेस्टेड ट्वाइस एट द इंटरवल ऑफ 20 डेज बिफोर इंट्रोडक्शन इन द हर्ड एंड टेस्ट पॉजिटिव रिएक्टर्स आर मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, प्रेग्नेंट एनिमल्स को परचेज नहीं करना है और स्ट्रेन 19 ब्रुसेला बॉटस एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन जो है वो यूज़ की जाती है और S19 जो होती है वो प्रैक्टिकली नो वायलेंस फॉर गिनी पिग्स एंड कैटल्स। समटाइम्स एडल्ट प्रेग्नेंट वैक्सीनेटेड काउज जो होती हैं वो सीवियर रिएक्शन दे सकती है और अबॉटस की किल्ड से 45-20 वैक्सीन भी आ रखी है। और द मेन एडवांटेज क्या है इज दैट एग्लूटिनेशन टेस्ट रिएक्टर्स रेयरली अकर्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन बिकॉज दिस वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ रफ स्ट्रेन। द ओनली डिसएडवांटेज लाइज इन द फैक्ट दैट द रिपीटेड जो है इसके अंदर वैक्सीनेशन आर टू बी डन इन दिस स्पेसिफिक इंटरवल। शीप गोट में S19 वैक्सीन जो है और इस डिसअपॉइंटिंग है, तो इसलिए हम लिविंग RE1 ये वैक्सीन ऑफ चॉइस है शीप गोट के, ये पूछते हैं RE1। ठीक है, शीप गोट के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अपन का क्वेश्चन की बात करें वो है सेक्शन 269 और 270 IPC। तो 269 बताता है हुएवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट विच इज एंड विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ। मतलब जानबूझ के कोई इन्फेक्शन फैलाने के लिए जो स्प्रेड करने के लिए कोशिश करता है वो इस लॉ के इस सेक्शन के अगेंस्ट पनिशेबल है, उसको सजा हो सकती है 6 महीने या फाइन या दोनों। ठीक है, जैसे ये एंथ्रेक्स स्पोर वगैरह फैलाए थे ना उस पे है ये। और 70 वाला है कि जो which he knows has a reason to believe to be likely to spread the disease and any dangerous to life shall be punished with imprisonment either description in terms or max 10 to 2 years। मतलब ये होता है कि ऊपर वाले में तो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, मतलब आप कहीं काम कर रहे थे उसने जो है गलती से कोई चीज़ आपकी चूक की वजह से जो होती है वो 69 होता है, और 70 वाले में आप जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, जानबूझ के करने वाले फैलाने वाली डिजीज़ को तो बोलते हैं 70 के अगेंस्ट, पर 270 के अगेंस्ट जो है वो हटा दी जाती, मतलब पनिशेबल है। और जो 269 है वो किसके अंदर है, नेग्लिजेंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें बेबेसियोसिस की, तो बेबेसियोसिस का क्वेश्चन क्या है कि ईटियोलॉजी क्लिनिकल साइन और डायग्नोसिस ऑफ बेबेसियोसिस इन हॉर्सेस। तो जो इसके अंदर जो है बेबेसियोसिस एक टिक बॉर्न हेमोप्रोटोजोअल डिजीज है कैटल, शीप और हॉर्स की। ठीक है, तो ये जो होती है काबाली और इक्वाइस होती है हॉर्सेस के अंदर। ठीक है, इन हॉर्सेज देर इज़ नो हीमोग्लोबिन यूरिया
इन मोस्ट हॉर्सेस जो है, बट इन सम केसेस जो है पेरिसिटिया में इज़ वेरी हाई। हीमोग्लोबिन यूरिया जो है में अकर, ओकेशनली ब्रोंकाइटिस भी ऑब्जर्व हो रहा होता है, और म्यूकोजा जो होती है वो पेल पिंक से टिंच्ड विथ जॉन्डिस, और यंग हॉर्सेज और फोर्स में जॉन्डिस जो होता है वो म्यूकोजल पेलर वीकनेस और म्यूकोजल पेटेची आर एविडेंट, ठीक है। और इसका कोर्स ऑफ डिजीज़ जो होता है वो 8 to 10 days होता है, और सी वैल्यू इन्फेक्टेड जो हॉर्सेज होते हैं वो मे डाई विद इन 24 to 48 hours आफ्टर फर्स्ट क्लिनिकल साइंस, ठीक है। क्रोनिक केसेस में जो है वो कैरियर की तरह काम करता है, और इट कैन परसिस्ट फॉर मोर देन 4 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द ग्लैंडर्स। तो हॉर्सेज हैविंग हाई फीवर, कफ, लेजेंस ऑफ फार्सी बर्ड, फार्सी कॉर्ड, नोड्यूल्स, अल्सर्स इन द मेजल कैविटी शुड बी सस्पेक्टेड फॉर ग्लैंडर्स, और कन्फर्मेटरी के लिए हम मेलिन टेस्ट करते हैं। मेलिन टेस्ट में क्या करते हैं, एंटीजन ऑफ बर्कोडेर या मलाई ये यूज़ किया जाता है, सबक्यूटेनियस ऑप्थैल्मिक या इंट्राडर्मल या इंट्राडर्मल पाल्पेब्रल मेलिन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर इंट्राडर्मल पाल्पेब्रल मेलिन टेस्ट यूज़ करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते। 0.1 ml जो होता है मेलिन को इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, जो लोअर आईलिड होती है ना वहाँ पे, और 48 आवर्स बाद देखते हैं कि वहाँ पे ब्लीफेरोस्पाज्म, एडिमा ऑफ आईलिड और सीवियर पुलेंट कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव है। द डिजीज एंड डायग्नोज बाय द स्ट्रॉस रिएक्शन ऑल्सो, जहाँ पे पस जो होता है वो इंट्रापेरिटोनियली जो है गिनी पिक के अंदर, मेल गिनी पिक होता है उसको इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि स्क्रोटल सैक और सीवियर ऑर्काइटिस का हो जाता है तो भी पॉजिटिव माना गया है, ठीक है। बाकी डॉट एलिजा वगैरह CFT वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। तो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो है वो कॉज्ड बाय द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एक्यूट वाले, ठीक है, जो हमारे ये थे ना स्ट्रेप्टोकोकल एगलेक्सिया और स्टेफोरिस और ये ही वाले जो है ये भी सब एक्यूट सब क्लिनिकल भी करते हैं। इन इट सिस्टेमिक और अपरेंट लोकल साइंस नोटिस नहीं होते, तो इसलिए इसे डिटेक्ट करना केवल और केवल लेबोरेटरी टेस्ट से माना गया है। तो कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट हो गया, विस्कॉन्सिन मैस्टाइटिस टेस्ट हो गया, व्हाइट साइड टेस्ट हो गया, ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, मैस्ट्रिप टेस्ट हो गया, ये सारे जो है हम टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिंगवॉर्म और राइट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म डर्मेटोफाइटोसिस को ही बोलते हैं, एक कॉमन नेम है जो कि बहुत सारे डिजीज में दिया जाता है, फॉर द सुपरफिशियल एंड क्यूटेनियस इन्फेक्शन ऑफ कैक्टनाइज लेयर ऑफ द स्किन और इट्स अपेंडेजेस, हेयर और फेदर्स एंड हॉर्न्स ऑफ फार्म एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड कॉज्ड बाय जो है ट्राइकोफाइटॉन जो हमने सुना था, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। फिर हमारे ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर रिंगवॉर्म लेजेंस जो होते हैं वो एस्बेस्टोस जो होता है लाइक क्रस्ट बनाते हैं, विच अनलेस रिमूव डू नॉट अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ एनी लोकल ट्रीटमेंट। तो ये क्रस्ट जो होते हैं वो ब्रूसिंग और स्क्रैपिंग से, सॉफ्ट वायर ब्रश और मेडिसिन इज अप्लाइड बाय रबिंग विग्रसली, सिंस क्रस्ट आर द गुड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और टू द अदर हेल्दी एनिमल्स, तो हम इसे जला भी सकते हैं जो क्रस्ट होते हैं, और हम लोकल एप्लीकेशन जो है विटफिन ऑइंटमेंट, आयोडीन की, 10% अमोनिएटेड मर्करी ऑइंटमेंट की, और ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इतने सारे ऑइंटमेंट। फिर 2 to 4 एप्लीकेशन ऑफ थायाबेंडाजोल, ये भी अच्छा डायग्नोसिस में मतलब अच्छा ट्रीटमेंट में हेल्प किया है, और हम जो है वीकली अदर स्प्रेइंग एनिमल्स जैसे बहुत इन्फेक्टेड और हेल्प फंजीसाइड्स लाइक कैप्टन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है सिमिलरली वीकली स्प्रेज ऑफ बॉडीऑक्स मिक्सचर, ये भी अच्छा रिजल्ट देता है रिंगवॉर्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन है कि ICH के बारे में। तो ICH जो है इन्फेक्शियस कैनिन हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस कंटेजियोसा, कैनिस कंटेजियस हेपेटाइटिस, फॉक्स एनसेफेलाइटिस, रूबर्ट डिजीज भी बोलते हैं। ये जो होता है वो एडिनोवायरिडी फैमिली से होता है, जो जीनस है इसका कैनिन एडिनोवायरस 1 और कैनिन एडिनोवायरस 2 दोनों से कर सकता है, पर 2 वाला लेस पैथोजेनिक है, 1 वाला ज़्यादा पैथोजेनिक है, इसलिए 2 वाले से ही वैक्सीन बनती है ज़्यादातर, और डबल स्टैंडर्ड DNA है। इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर से ट्रांसमिशन होता है, यूरिन, फीसेस, सलाइव और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कैनाइन जो होता है वो इसका होस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करें इंपॉर्टेंट लेजेंस, तो सैडल कर्व फीवर, ठीक है, टक्ड अप कंडीशन आती है एब्डोमेन में, और हिपेटिक और ब्लू आइज इसमें इसका पिक्यूलर साइज सीक्वल है। फिर है लीवर और डाइजेस्टिव और आई जो होती है इसके अंदर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और जो इसका इंक्लूजन बॉडी है वो इंटरन्यूक्लियर इन हिपेटिक सेल्स और कफर सेल्स, और इसके वैक्सीनेशन है CAV2 से करते हैं, बायवेलेंट है, जो CD ये पपी DP आपने सुना होगा उससे भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें टिटनस के बारे में, तो टिटनस जो है
वो क्या है, लॉकजॉ सो हॉर्स कंडीशन, ठीक है, एटियोलॉजी क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनिक ग्राम पॉजिटिव स्लेंडर ड्रमस्टिक लाइक अपीयरेंस। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ द सेल्स होते हैं। ट्रांसमिशन इसका बंड हो गया, कास्ट्रेशन हो गया, शोइंग हो गया, शेयरिंग हो गया, डॉकिंग हो गया। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो 80% ऑफ द मॉर्टेलिटी ससेप्टेबल ऑर्डर। हॉर्स सबसे ज़्यादा, फिर शीप, फिर कैटल, फिर पिग। कार्निवोर्स जो होते हैं वो रेयरली अफेक्ट होते हैं और बर्ड्स आर रेजिस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करें इसके टॉक्सिन्स की, तो 3 तरह के टॉक्सिन है, टिटेनोस्पाज्मिन, टिटेनोलाइसिन्स जो कि हीमोलाइसिन करता है, और एक फिब्रिनोलाइसिन। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 to 3 वीक्स अप टू मंथ्स भी हो सकता है। क्लिनिकल साइंस में लॉक जो अपीयरेंस, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एनिमल स्टैंड करता है विथ टेल रेस्ट, रेस्ड इरेक्टेड ईयर हो गया, डायलेटेड नॉस्टल्स, रिट्रैक्टेड आईलिड्स, प्रोलैप्स हो गया थर्ड आईलिड इन द हॉर्सेज, एंड द सो हॉर्स अपीयरेंस जो है ड्यू टू द टिटैनी। ऑपिस्टोटोनस टेम्परेचर जो है 108 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू द कन्वर्जेंस, डेथ जो होती है ड्यू टू एस्फिक्सिएशन। पम्प्ड हैंडल पोजीशन ऑफ द टेल इन कैटल और बफेलो। नेक्स्ट बात करें टेस्ट की, तो ग्राम स्टेनिंग जो है कर सकते हैं, इनोकुलेशन इन द गिनी पिग, कल्चर करा सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, सीरम एंटीबॉडीज लेवल चेक कर सकते हैं, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाता है, फॉस्फोकाइनेस और न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम स्टाइक्निन पॉइजनिंग, एक्लेम्शिया इन मेयर। ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन देते हैं 20,000 से 40,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। ATS एंटी टिटनस जो है सीरम दे सकते हैं 3 लाख IU पर हॉर्स, ठीक है, और H2O2 वॉशिंग कर सकते हैं उनकी। क्लोरोहाइड्रेट यूज़ करना है 30 to 45 ग्राम्स टोटल डोज ओरली। क्लोरोप्रोमाजिन दे सकते हैं, ठीक है, एट 8.88 इंटरनल IV और एट 2.2 mg IM। वैक्सीन आती है ATS और बिफोर सर्जरी हम देते हैं 1500 से 3000 IU टिटनस टॉक्साइड, एट जो है वो 5 to 10 ml IM 6 to 8 वीक्स, रिपीट एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस सबसे इंपॉर्टेंट माइकोसिस, वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट माइकोसिस ऑफ द एनिमल्स टू बी डिस्क्राइब, जो कि हेल्प टू फोकस अटेंशन ऑफ द माइक्रोबियल कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है, और जो डिस्कवरी है वो एज अर्ली एज 1813 इंडक्स। और ये जो है एस्परजिलस स्पीसीज जो है वो यूबिक्यूटस है, हैवली स्पोरिलेटिंग एंड स्पोर्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट वेयर द एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस गेट इन्फेक्शन यूजुअली बाय इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स। इवन एस्परजिलोसिस की बात करें तो माइकोटिक निमोनिया और ब्रूडर निमोनिया भी बोलते हैं। इसमें जो होता है पल्मोनरी सिस्टम पे टारगेट होता है इसका, ठीक है। एटियोलॉजी दो है मेनली, फ्यूमिगेटस और फ्लेवस, ठीक है, और जो फ्यूमिगेटस है वो सबसे ज़्यादा कॉमन और पैथोजेनिक है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में इसमें आपको रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ठीक है, और हाई मॉर्बिडिटी और हाई मॉर्टेलिटी होती है यंग चिकन्स की, ठीक है, और डे ओल्ड चिक्स की क्या होती है 80% से अभी भी अभाव है, और कॉमनली रिफर किया जाता है ब्रूडर्स निमोनिया इसलिए। फिर है जो अफेक्टेड जो चिक्स होते हैं वो रिवील लॉस ऑफ हेपेटाइट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्पनिया, गैस्पिंग एंड जो समटाइम्स कन्वर्जेंस अकर्स, एंड अफेक्टेड बर्ड्स जो होती हैं वो डाई हो जाती है विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। क्रोनिक केसेस में इंसीडियस स्पोरेटिक और अकर्स इन द एडल्ट बर्ड्स, और जो अफेक्टेड बर्ड्स होती है वो सर्वाइव करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन द ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग स्टेट। और नेक्रोप्सी फाइंडिंग में लम्स जो होते हैं वो टिपिकली येलोइश जो वाइट मिलियरी नोड्यूल्स होते हैं 1 से 3 mm डायमीटर के, वो जनरली इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टिश्यूज, और नोड्यूल्स जो होते हैं वो ट्रेकिया के अंदर, एयर सैक्स के अंदर भी मिल जाते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये यूबिक्यूटस है तो नीडेड टू एलिवेट आइसोलेशन ऑफ दिस फंगाई फ्रॉम क्लिनिकल मटेरियल, तो प्रेजेंस ऑफ माइसीलियल एलिमेंट्स ऑन डायरेक्ट एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम जो है 10% to 10% KOH में हम उसे जो है सॉल्यूशन में मिक्स करके हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली हम इसके अंदर देख सकते हैं डाई क्रोटोमसली ब्रांचिंग सेप्टेट हेफी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम जनरली जो है अवेलेबल नहीं है, और ड्रग एफोटेरिसिन बी इंटरवेनसली यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसमें हम जो है वो डिपिंग द एग्स इन 1:640 जो है फिनाइल मर्क्यूरी डाई फिनाइल थले मेथाइल मिथेन डाई सल्फोनेट, ये हम इससे गैस डिप करके यूज़ कर सकते हैं। और यही था डिजीज़ के बारे में, और इसके साथ मेजर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।